हेलो बॉन्साई लोगों, आज के इस वीडियो में हम मिस जेड बॉन्साई को रिपोर्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया भी था इस प्लांट को कि मैं कैसे बॉन्साई बनाता हूँ और कैसे उन्हें ग्रो करता हूँ। मैंने ये भी बताया था कि मैं उन्हें बड़े पॉट में ग्रो करता हूँ, जिससे बहुत जल्दी ही ये बड़े होते हैं और उनका जो ट्रंक लाइन होता है, जो ट्रंक होती है, काफ़ी थिक होती है और जल्दी मतलब मोटी हो जाती है। उसके बाद इनका ये पैडिंग, ये फॉलिएज, सब कुछ बहुत जल्दी घना होता है। तो ये मेरा बॉन्साई अब एक अच्छे सेरामिक पॉट में शिफ्ट होने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, तैयार हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसे रिपोर्ट करने जा रहा हूँ अपने डेड बॉन्साई के सोयल मीडिया में और एक अच्छे यू नो ट्रे के अंदर, और इस प्लांट को एक अच्छे सोयल मीडिया में जाके अब मैं रिपोर्ट कर दूँगा। चलिए इस वीडियो को आप देखिए, आप भी ऐसा ही करिए कुछ, आपके पास भी बहुत जल्दी ये इतना मोटा और इतना बड़ा एक बॉन्साई होगा। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं मैंने अपने प्लांट को बड़े पॉट से निकाल लिया है। अब इसकी रूट बॉल थोड़ी सी क्लियर करूँगा, ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा अभी, क्योंकि थोड़ा डाउन रहता है प्लांट, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, बट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस पूरा रूट बॉल हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है और देख सकते हैं इसमें काफ़ी फाइबरस रूट निकला हुआ था और प्लांट काफ़ी हेल्दी भी था। तो अब बारी इसकी नीचे जो ब्रांचेस, इसको इसकी प्रूनिंग की, इसको हम प्रून कर लेते हैं। गाइज इसके बाद प्रूनिंग करना बिल्कुल ना भूले अपने प्लांट को, इसकी ब्रांचेस जो हैं काफ़ी बढ़ चुकी थी, मैंने प्रून नहीं किया था, लेकिन अब प्रून कर देता हूँ इनको। तो कौन सा लगा, हमने अपने प्लांट को काफ़ी स्ट्रेस में डाल दिया है, इसकी रूट बॉल को मैंने काफ़ी हद तक प्रून कर दिया है, जिससे अब ये थोड़ा पौधा डाउन हो जाएगा, इसकी पत्तियां श्रिंक हो जाएंगी। तो इस चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए और थोड़ा सा इस रिकवरी को फास्ट करने के लिए हमें इस प्लांट को शेड में रखना बहुत ही ज़रूरी है।
तो आप भी इस बात को जानते होंगे और बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो भी करें। इस प्लांट को आप कम से कम 15 डेज़ के लिए शेड में रख दें, सेमी शेड एरिया में रख दें। हालांकि धूप में भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हाँ कुछ दिनों के लिए इसकी पत्तियाँ काफ़ी श्रिंक हो जाएंगी और बहुत बुरा लगेगा देखने। अगर आप इस ये नहीं चाहते कि आपका प्लांट बुरा लगे देखने में, तो आप इसको शेडी एरिया में ज़रूर रखें और वाटरिंग करें कम से कम 3 दिन के बाद। ये समर मंथ है, समर मंथ में आप अच्छे से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद इसकी वाटरिंग करना बिल्कुल आप ना भूलें। वाटरिंग अभी जस्ट करना है आपको रिपोर्टिंग के बाद, उसके बाद आपकी जो वाटरिंग होगी नेक्स्ट कम से कम 3 से 4 दिन के बाद आप वाटरिंग करें। हालांकि मेरा ये जो बॉन्साई सॉइल है हाईली ड्रेनिंग सॉइल है, इसके अंदर से इसमें पानी ज़्यादा नहीं ठहरता, तो मैं इसको 1 दिन छोड़ के वाटर दे सकता हूँ। अगर आप भी इस टाइप का बॉन्साई सॉइल बना रखे हैं, मिट्टी बना रखे हैं उस टाइप की, तो आप भी इसको 1 दिन छोड़ के वाटरिंग करें और शेड में रखे रहें इसको 15 डेज तक, फिर आपका ये प्लांट काफ़ी अच्छा दिखेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें इसे, और उसके बाद मिलते हैं हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ग्रीन्स बुद्धा की तरफ से गुड बाय।